एवरीवन, दिस इज अरमा बाजपेयी। आई वेलकम यू ऑन टेली खजाना। तो वीकेंड के वार पे जो करने वाले हैं करण जौहर होस्ट, अब बस उन्हें थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार जो फराह खान की हालत करी है उन्होंने कमेंट ही ऑफ कर दिए। करण जौहर प्लीज, आप किसी पे भी, स्पेशली प्रियंका, क्योंकि प्रियंका की पलटन बहुत जल्दी बुरा मानती है, उन पे कोई उल्टा सीधा कमेंट मत करिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द सीजन से ही ऐसा होता जा रहा है। तो अब कोई कमेंट मत करिएगा। अब एक नया टैटू टास्क आया है वीकेंड के वार पे और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें निमृत को बोला गया है एनाकोंडा। जी हाँ, और कौन है एक महान पुरुष जो निमृत को एनाकोंडा का टैटू दे सकता है? वन एंड ओनली अर्चना। जी हाँ, अर्चना ने निमृत को एनाकोंडा का टैटू दिया, शिव ने निमृत को शेरनी का टैटू दिया। कैसे, मतलब शिव क्यों करता है ऐसे, मुझे समझ नहीं आता। वो इतना अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी मंडली की वजह से कहीं ना कहीं पिस जाते हैं, अपना करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू अब नहीं रख पा रहे हैं। निमृत को खुश करने के लिए उनको शेरनी बोला है, पता नहीं क्या सोच के। स्टैन ने शालीन को गिरगिट बोला है, वेरी नाइस। स्टैन हमेशा मुंह पे बेइज्जती करने वालों में से है, साफ मुंह पे बोलते हैं, और वो शालीन गिरगिट है उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सुम्बुल ने स्टैन को ड्रैगन बोला है, शालीन ने स्टैन को ग्लासेस बोला है। शालीन इज वेरी कंफ्यूजिंग मैन, वो किसको क्या बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, कुछ समझ तो वैसे भी नहीं आता। शिव ने प्रियंका को फॉक्स बोला है, वाह चालाक, क्या बुराई है इसमें, बहुत अच्छा। मतलब ये शिव ने प्रियंका को अच्छा दिया है, क्योंकि चालाक हैं, फॉक्स हैं, तभी तो इतनी दूर तक इतनी समझदारी से इतनी अच्छी तरीके से प्रियंका खेलते खेलते यहाँ तक आ गई हैं, और ऐसा उन्होंने फैन बेस बनाया है। हम लोग प्रियंका को उड़ारियाँ की वजह से नहीं जानते हैं, हम प्रियंका को बिग बॉस में उनका जो अंदाज है उसकी वजह से जानते हैं, और इसी को कहते हैं अपना एक फैन बेस बनाना, अपनी पर्सनैलिटी से लोगों को अट्रैक्ट करना, जो प्रियंका ने किया है। शिव ने अर्चना को चम्मच बोला है, अभी यहाँ शिव ना थोड़ा सा गलत गए हैं, क्योंकि अर्चना एक ऐसी सदस्य हैं जो पूरे घर में सबसे अकेले खेली हैं। वो दोस्त बनाती हैं लेकिन दोस्तों को भी नहीं छोड़ती हैं, और ये बात तो फराह खान ने भी बोली थी कि एक ये लौती ऐसी कंटेस्टेंट है बिग बॉस में जो किसी को नहीं छोड़ती हैं, लेकिन फिर भी शिव ने अर्चना को चम्मच का टैटू दिया। अर्चना ने सुम्बुल को बोला है बिन पेंदी का लोटा बोला है, ये क्यों बोला है बिन पेंदी का लोटा, ओ गॉड, अर्चना की बुद्धि, और अर्चना क्या कब बोल दे उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता, ना ही इस पे कोई टिप्पणी दे सकती हूं मैं कि उन्होंने उसको ऐसा क्यों बोला है। अर्चना दुनिया की, दुनिया राइट जाती है तो अर्चना लेफ्ट जाती है। सुम्बुल ने प्रियंका को स्पीकर बोला है, नाइस सुम्बुल, देखिए ये बात तो आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे मंडली पसंद करती हो ना पसंद करती हो, जो सच्चाई है वो सबको पता है। मंडली के हर एक सदस्य ने नरेटिव तो क्रिएट करने की कोशिश करी, लेकिन वो हमें अच्छे से पता है एज अ ऑडियंस कि वो नरेटिव क्रिएट प्रियंका के लिए नहीं हो पाया। तो जो सबसे मस्त मुझे लगा, अर्चना ने जो निमृत को एनाकोंडा का टैटू दिया है, दैट इज वेरी अमेजिंग, क्योंकि निमृत इतना ज्यादा नेगेटिव वाइब आने लगी है ना जब निमृत स्क्रीन में होती है, इट्स वेरी इरिटेटिंग, उनको देखना ही बहुत इरिटेटिंग होता है। तो ये वीकेंड के वार का टास्क था, तब तक के लिए देखते रहिए टेली खजाना। अगर अभी तक आपने टेली खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए। थैंक यू।